मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए यशायाह 55 उसका 6वां वचन हम पढ़ें। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना एक धन्य अनुभव है जिसके द्वारा हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने हृदयों को उंडेल सकते हैं। प्रार्थना का एक मुख्य भाग परमेश्वर की आराधना है, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रभु के चरणों में आकर अपने जीवन के विषयों को प्रभु के सामने रख सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है, और अगर हमारा परमेश्वर के साथ का वो संबंध नजदीक है तब हमें प्रभु के चरणों में आकर अपने विषयों को रखने के लिए दिलेरी भी होगा। विश्वास और आसरा के साथ हम जब पिता के चरणों में आते हैं, हमें एक तसल्ली होती है कि मेरा बाप, मेरा पिता मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हम सबके जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, आत्मिक भी है और अपने दैनिक जीवन से संबंधित बहुत से विषय हैं। और परमेश्वर के संतान होने के नाते ये अति आवश्यक है कि हम लोगों के सामने रोने के से बढ़कर, उनकी दया बटोरने से बढ़कर, हम प्रभु के चरणों में प्रभु के सामने अपने दिल को उंडेलें। लेकिन उसके लिए एक बहुत आवश्यक एक विषय कि हमारा पिता के साथ का संबंध सही होना है। आबेल और कैन दोनों अपने बलिदान को लेकर परमेश्वर के सामने आए, वो उनका बलिदान, उनकी आराधना और उनकी प्रार्थना को दर्शाता है। हम जानते हैं कैसे परमेश्वर आबेल के बलि से प्रसन्न हुआ और आबेल के जीवन से प्रसन्न हुआ। और जब हम वचन को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने दिव्य स्वभाव को हम पर प्रकट किया है, और परमेश्वर कभी भी अपने स्वभाव का इनकार नहीं कर सकता, हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देने के लिए परमेश्वर अपने आप को बदल नहीं सकता। हम अविश्वासी के विषय में नहीं कह रहे जिन्हें परमेश्वर का स्वभाव नहीं मालूम और जो संकट के समय परमेश्वर को पुकारता है। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी होने के नाते कितनी बार हमारे जीवनों में प्रार्थनाओं को प्रभु ने जवाब दिया है जब हम प्रभु को जानते भी नहीं थे और हमें उस मार्ग में चलाया ताकि हम उसे जाने। परमेश्वर अपने संतानों के साथ भला है और उन्हें अवसर देता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझें, लेकिन परमेश्वर किसी को विवश नहीं करेगा अपने ऊपर भरोसा करने या आज्ञाओं का पालन करने के लिए। यह हमारे ऊपर है कि हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के मार्गों में चलना चाहते हैं। जब हम एक विश्वासी के प्रार्थना को देखते हैं कि उसकी प्रार्थना दुनिया के लोगों से बिल्कुल भिन्न होती है। एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की करुणा को चखा है, जिसे पाप से छुटकारा मिला और परमेश्वर के न्याय से जो अनुग्रह के कारण बचकर उद्धार पाया है, उसने अपना जीवन प्रभु के क्रूस के तले समर्पित किया है और प्रभु को अपने जीवन का प्रभु कर माना है, उसका मतलब प्रभु यहोवा परमेश्वर को उसके जीवन पर पूरी नियंत्रण है। अगर एक परमेश्वर के संतान को अपने जीवन में प्रभु के प्रभुत्व को अनुभव करना है तो उसे प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना है, और जब प्रभु के उस प्रभुत्व को वो स्वीकार करता है तब उसकी सोच में और उसके कामों में वो फर्क दिखता है। वो अपने जीवन के हर क्षण में, हर अनुभवों के द्वारा प्रभु को और करीबी से जानता है, चाहे जय के अनुभव हो, चाहे पराजय के हो, चाहे कमजोरी के हो, चाहे जीवन के कोई भी चुनौतियां हो। और यह बात उसकी प्रार्थना में उसकी झलक दिखती है,
उसकी प्रार्थना में बदलाव दिखता है। लेकिन ध्यान रखें, ये तभी होगा जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को आईने के तौर पर उसमें अपनी शक्ल को देखता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु को करीबी से अनुभव करता है। नहीं तो हम प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो एहसास है कि स्वर्ग ने हमारी प्रार्थना को सुना नहीं है। हमारे अंदर वो शांति भी नहीं है, ना ही वो तसल्ली है। जब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, तब का अनुभव अलग है। और ये बात हमारे चेहरे पर दिखती है जब हम पैरों घुटनों से उठते हैं। परमेश्वर के वचन को जरा देखें। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। ये परमेश्वर का वचन इसराइल के कौम के लिए था। उन्हें परमेश्वर ने अपने चुने हुए कौम के तौर पर चुना था, जिनके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को दिखाना चाहता था। लेकिन इसराइल के कौम ने प्रभु से बलवा किया, अपने मार्ग में चले, प्रभु को दुखी किया, परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन किया और आखिरी में गुलामी में पहुंच गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिए ताकि वो परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को समझें। प्रभु की आत्मा उन्हें चेतावनी देती है, उसकी खोज में रहो, यहोवा की खोज में रहो जब वो मिल सकता है। बहुत से लोग शांति, तसल्ली, खुशी, बहुतायत और इन सब चीजों की खोज में रहते हैं जीवन की यात्रा में, और उसी के लिए वो कई बार प्रभु के पास आते हैं। उन्हें परमेश्वर के साथ के संबंध को ज्यादा महत्व नहीं है, केवल वो अपने हृदय की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु की आत्मा कहती है, प्रभु को खोजो जब वो मिल सकता है। अगर हम प्रभु के मार्ग को तुच्छ समझे, हमारे जीवन में उस समय आएंगे कि हम प्रभु को ढूंढेंगे और प्रभु मिलेगा नहीं। हमारे हृदय की भावनाएं तो पूरी हो जाएंगी, इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन अपने हृदय में वो खालीपन को महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध टूटा है। जब हमारा पिता के साथ संबंध ठीक है, तो हमारी प्रार्थनाओं में वो झलक दिखेगा। हम पिता के सामने अपनी आवश्यकताओं को लेकर आते हैं और फिर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना भी करेंगे। हमारे जीवन में प्रभु को प्राथमिक स्थान हम देंगे। हमने हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब प्रभु के चरणों में रोज आते हैं, प्रभु यीशु ने चेलों को प्रार्थना क्या सिखाई, हमें आज की रोटी दे, उसका मतलब प्रतिदिन के लिए हम प्रभु पर आश्रित हैं। हम पिता के हाथ को छोड़कर हम अपने मार्ग इन दिनों में ना लें, प्रभु के साथ के संबंध को और मजबूत करें और प्रभु के अनुग्रह में बने रहें, और ये प्रार्थना करें कि मसीह के प्रेम से हमें कोई चीज अलग ना करे। प्रभु उसके लिए हमें मदद करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए। वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे, इसलिए धन्यवाद। प्रभु इन दिनों में आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, प्रभु आपकी इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिक स्थान देने के लिए हमें मदद करें। हमारी इच्छा नहीं, वरन आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आपके साथ के संबंध को बनाए रखने के लिए हमें मदद कर। प्रभु सबसे बड़ी आशीष, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए। हमें ज्ञान दे ताकि आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सके। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के मधु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अतिशीघ्र आ रहा है। मारना था।